हेलो, इट्स डे 3। टाइम हो गया है 1:45 और अभी भी हम होटल में ही हैं। हमारा आधा दिन वेस्ट हो चुका है, किसकी वजह से? मैडम अभी तक तैयार ही नहीं हुई है, तैयार ही नहीं हुई यार। सच में मतलब इतने दिन से हमारा मतलब पूरा दिन खराब जाता है इसकी वजह से। ध्यान से देखो इस चेहरे को, यही कल्प्रिट। कुछ काम नहीं किया यार तूने मेरा, मैं बस खुद से ही सब कुछ मैंने किया है। ऐसा कुछ काम नहीं किया, तू सिर्फ खुद से, तू सिर्फ अपना रेडी हुई है और वही तुझे पूरा दिन लग गया है। हम लोग उठे थे 10 बजे, कल रात में थोड़ा लेट सोए थे, 10 बजे उठे और 10 बजे 11, 12, 1 ऑलमोस्ट 2, 4 घंटे हो गए हैं। 4 घंटे मैडम ने नहाने में लिए और मेकअप करने में लिए, और हम तो हमेशा की तरह ऑलवेज ऑन टाइम, चाहे लेट भी हो। तो कुछ इस तरह से मैं दिख रहा हूँ आज, व्हाइट टी शर्ट। मैंने सोचा स्नेहा के साथ ट्रेनिंग कर लूँ, वरना बोलेगी पूरे घर जाके बोलेगी। अभी भी नहीं बोलेगी, घर जाके बोलेगी जब बंदे के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा करने का कि यार मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो ये इसकी बस ऐसी चाल रहती है कि कैसे अपने पति को क्या पथेटिक फील कराऊं। पथेटिक नहीं कि बंदा एकदम से हेल्पलेस फील कराऊं कि भाई अब क्या कर सकते हैं। उस टाइम क्यों नहीं बोला भाई, मैं नहीं बोला। वो व्लॉग्स देखे होंगे ना, वो रील्स देखी होगी ना, अच्छा दोस्तों के साथ गए, अभी इसका आई वांट टू टॉक टू यू करके मूड खराब करती हो। तो ऐसा ही है। तो बस अब जल्दी से रेडी होते हैं, फिर टाइगर किंगडम जाते हैं। हम बस आज हैं और कल, एक्चुअली आज इस होटल में ही हैं सिर्फ, कल देखते हैं। आई थिंक सामने एक होटल है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ से। ये है मिराज करके होटल, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द बिल्डिंग। तो हमने सोचा कि हम इसी में लेंगे। कहीं भी जाएंगे तो टैक्सी वगैरह सब लेना पड़ेगा, एंड दिस लोकेशन इज क्वाइट गुड क्योंकि पटोंग बीच हम लोग कहे कल गए, बांग्ला स्ट्रीट कल गए, तो इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस, और होटल से भी पास है तो कहीं लेके नहीं जाना, पार्किंग की टेंशन नहीं है। तो चलो चलते हैं जल्दी, पहले कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं है तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं। सो इट्स ड्रिजलिंग इन फुकेट, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी स्कूटी पूरी भीग चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ अगर कहीं यहाँ पे बूंदें आ रही होंगी, दिख रही है वैसे तो मुझे, ये स्कूटी हमारी भीग चुकी है और कुछ ऐसा है। ज़्यादा बारिश नहीं हो रही बट ह्यूमिडिटी भी बढ़ाई गई है। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, विच इज़ वेरी क्लोज, यहाँ से बस लेफ्ट राइट जाते ही है। तो हम स्कूटी लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें फिर वापस नहीं आना वहीं से। बट इंडियन, ऐसा इंडियन आपको इंडिया में भी नहीं मिलेगा जो हमने कल खाया, पराठे वगैरह कुछ ऐसा दिखता है इसका। बाहर का एरिया, दिस इज लाइक अंदर का एरिया, ऑथेंटिक मतलब काइंड ऑफ इंडियन वाइब भी दे रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं अपने होटल में ही, अपने इंडिया में ही कहीं होटल में है। तो अभी मैंने मंगवाया अपना आलू पराठा, कल खाया था, विच वॉज वेरी गुड। मतलब इंडिया में भी आपको ऐसा बहुत कम जगह में खाने के लिए मिलते हैं। बिरयानी वॉज ऑल्सो गुड, मतलब जो भी हमने कल खाया वॉज वेरी गुड। तो हम अभी कुछ, मैं तो ब्रेकफास्ट करने के लिए आया, तो आलू पराठा इज माई गो टू गो डिश। हाँ बाकी अगर कुछ देखते हैं और लंच में भी कुछ मंगवा सकते हैं, बिकॉज टाइम इज़ टू पी एम और हमें सुबह से कुछ खाया नहीं है। ये आ गए हमारे इंडिया के देसी आलू पराठे, चिकन बिरयानी, खा के बता कैसा है? इसकी थी पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, बहुत स्वाद। घर जाके मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ। Shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We
we are living in this cruel world. So now we have reached Tiger Kingdom, जो कि अभी इसकी अभी हम तो पार्किंग में हैं, बाकी आपको दिखाते हैं कि कैसा है. मतलब मैंने एक इंडियंस मिले मुझे दो, तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ वाज इट, तो दे वर सेइंग दैट इट वाज क्वाइट गुड. तो लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा है. They are asking to sign this agreement. आप लोग पढ़ सकते हैं क्या है इसमें, मैंने तो पढ़ा नहीं, बस मैं साइन कर रहा हूँ. और यहाँ पे 1.5 घंटे की वेटिंग है, उसके बाद समथिंग लाइक दिस इज द डील. सो अभी हम लोग एंट्री ले चुके हैं टाइगर किंगडम के अंदर. एंड मैन, मैं पहली बार इतनी पास से देख रहा हूँ इसको. एंड दिस इज, अगर मतलब इसने झपट्टा मार दिया ना, एक बार छाती फाड़ देगा. मतलब वो घूम रहा है बस खाने के लिए, कोई तो मिल जाए. एंड दिस इज बंगाल टाइगर, इफ यू कैन सी हियर दिस वन, इट्स बंगाल टाइगर. और एक्चुअली दो बैठे हैं अभी यहाँ पे, एक आई थिंक दिस इज सेडेटेड. आई नो दिस इज, आई मीन दिस इज नॉट गुड कि एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, बट अब ये है तो क्या कर सकते हैं. दीज आर चीताज, जिसका आई थिंक रेट था 1300 बात ना, 1200 बात पर पर्सन. बट मैन ये तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी भागेगा बस तोड़ के दीवार. और उधर की साइड में कुछ, उधर की साइड में कुछ भी नहीं है, नो फेंस वगैरह कुछ भी नहीं है. मतलब अब देख के लगता है, आज तक तो डिस्कवरी वगैरह में देखा था कि कैसे भागते होंगे यार. मतलब जैसे फॉन्स वगैरह डियर वगैरह, तो कैसे बच क्यों नहीं लेते हैं यार. भाई अब देख के लग रहा है कि एक पंजाबी मारेगा ना तो वो आधा वैसे ही डेड है. खत्म डाटा, बाय बाय. सही में भाई देख यार क्या सही लुक है फेस पे. This one first. Oh, भाई भाई भाई, जा शांत रह, शांत रह. No fence. Everyone is sleeping right here.